अस्सलाम वालेकुम। साजना न्यूज की हेडलाइंस के साथ मैं हूं अली अंदर। सबसे पहले हेडलाइंस। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया दबंग अफसर पुलिस चौकी नजरकानों के इंचार्ज ESI शफीक अंजम की एक और दलेराना कार्रवाई। स्कूल कॉलेज के मासूम बच्चों और नौजवानों में जत फरोख करने वाला मौत का सौदागर शाहिद मंजूर और मेजर को जान की बाजी लगाकर गिरफ्तार कर लिया। सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन, कोरोना SOPs के तहत हफ्ते में 2 रोज बाजार और बैनल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। कसूर में खातून को बालों से पकड़ कर घसीटने और ठुड्डे मारने वाला इंस्पेक्टर पुलिस की हिरासत में। मीडिया की आवाज़ ने हुकामे बाला को झिंझोड़ दिया। तालीमी इदारे ईद तक बंद रखने का ऐलान NCOC। वज़ीर आला मुराद अली शाह की कुवैत के जनरल काउंसलर सलीम यूसुफ अल हमदान से मुलाकात, अहम अमूर पर तबादला ख्याल। समंदर में 3 हफ्ते रहने वाले बहरी जहाज महर के अमले के 5 अरकान मिस्र से कराची पहुंच गए, FIA ने हिरासत में ले लिया, अहले खाना की तस्दीक। कराची औरंगी नाले नाजामाबाद में 6 साल बच्चा डूब गया, इलाका मकीन अपनी मददाब के तहत बच्चे को ढूंढ रहे हैं। एडिशनल IGP कराची गुलाम मेमन ने DIGP ट्रैफिक कराची, SP ट्रैफिक कराची और दीगर ट्रैफिक पुलिस अफसरान के हमरा मूवेबल एम्प्रेस मार्केट ट्रैफिक सेक्शन का इफ्तिताह कर दिया। अवाम 4 से 5 हज़ार का टैंकर खरीद कर डलवाते हैं और वाटर बोर्ड इंतजामिया माफिया के साथ मिलकर उनकी पुष्पनाई कर रही है। काशाना होम वेलफेयर के साबिक सुपरिटेंडेंट लाहौर प्रेस क्लब के बाहर कायनात के कातलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी मुजाहिरा कर रही हैं, हुकूमत से नालां, उनकी आवाम से अपील है कि उनका बढ़ चढ़ कर साथ दें। आज इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश हुई जिसके बाद इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार हो गया। कराची में भी आज मौसम कदरे बेहतर। मज़ीद बाख़बर रहने के लिए देखते रहिए असाज़ रहे न्यूज़।